प्यारे तुलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा सबक नंबर 6 शुरू है और कल मैंने दो मरतबा इसके IMP जो नुकात थे यानी इम्पोर्टेंट, उसकी मैंने रिवीजन वीडियो डाली, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप देख रहे होंगे, लेकिन रिस्पांस बहुत कम है। तो बराए मेहरबानी वीडियोस मुकम्मल देखें। और आज हम इसी सबक का लास्ट पॉइंट जो है वो देखेंगे। पूरा सबक हमने मुकम्मल तरीके से देख लिया है, नोटबुक में लिख भी लिया है। अब हम इसके आगे के पॉइंट्स नुकात देखेंगे। सबक का नंबर है 6, बाफ्ते। अब बाफ्तों के अंदर वापस से रिवाइज़ कर रही हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। पौधों और जानवरों की नशोनुमा जो मुसलसल होती रहती है और उनके खुलियों की तकसीम यानी खुलियात, यानी ऐसा खुलिया जिसे हम ऐसा ज़र्रा जिसे हम खुली आँखों से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है, वो खुलिया। तो वो ऐसे खुलियात से जो कसीर यानी बहुत सारे खुलियात मिलकर मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद वो अलग अलग तरीके से अपना काम अंजाम देते हैं यानी अपना काम करते हैं। इसमें यक खुलवी उज़ू और एक है तमाम कसीर खुलवी उज़ू। तो यक खुलवी उज़ू यानी जो सिर्फ एक ही खुलिए से अपने तमाम काम अंजाम देते हैं। और जो दूसरा है हमारा कि पैदाइश की इब्तिदा से लेकर ऐसे काम अफ़ाल देते हैं जो यानी पूरी ज़िंदगी जो मुसलसल काम चलते रहते हैं वो बाफ्तों के ज़रिए चलते रहते हैं। अब बाफ्तों की भी दो किस्में हैं, एक नबाताती यानी जो पेड़ पौधे पत्ते हैं उनकी बाफ्त अलग, और हैवानात में जानवर इंसान सब आ गए। नबाताती बाफ्तों की दो किस्में थी, मुस्तकिल बाफ्त और सादा मुस्तकिल बाफ्त, वर्धनशील पेशी, स्थाई पेशी, सरल पेशी। अब देखो पौधों की कोपले जो होती है यानी जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोपले वहाँ से लेके तो उसके जड़ उसके ऊपरी हिस्से यहाँ तक के अलग अलग उसकी ज़मीन से कोपल निकलने का अमल और पौधे का बड़ा होना, ये तमाम जो लंबाई को बढ़ाते हैं तो ये लंबाई को बढ़ाने का जो काम करते हैं ये मुस्तकीमी मुनकसीमी बाफ्त करती है। और ये मुनकसिमी बाफ्त यानी ये एक ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से पौधों की नशोनुमा होती रहती है, पौधे बड़े होते रहते हैं। अब बात करें कि मुनकसिमी बाफ्त देखने में कैसी होती है, इसकी शक्ल कैसी होती है। तो ये पतली खुलवी दीवार होती है और अंडे की शक्ल यानी बेजवी शक्ल की होती है, और इसके मुस्ततिल नुमा शक्लों में अलग अलग तरीके की पाई जाती है। और ये खुलियों के दरमियानी जगहों में, जैसे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस यानी जो मेन मरकज़ा है वो, और उसके अंदर अलग अलग खुलियात होते हैं, तो ऐसे ही ये खुलियों के अलग अलग जगहों पर पाई जाती है। स्थाई पेशी ये खुलियों को तकसीम करने की सलाहियत रखती है और उनकी मुतय्यन शक्ल बनाती है, और ये जिंदा मुर्दा दोनों की हो सकती है, इसलिए इसे साधा मुस्तकिल बाफ्त कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा पेरेनकाइमा। सादा मुस्तकिल बाफ्त की तीन पॉइंट है, पेरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्रिलिनकाइमा आते हैं ये इम्तिहान में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पेरेनकाइमा की, तो ये पौधों के हर हिस्से में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और इनके खुलिए बिल्कुल यकसा कुतर वाले होते हैं और ज़िंदा होते हैं। इनकी खुलवी दीवार जो है बहुत पतली महीन सिलीलियस से बनी होती है, यानी पानी कैसा निकलता है ऐसे सिलीलियस से बनी होती है, और इनकी शक्ल दायरवी नुमा और अंडे की जैसी होती है, और बहुत सारे इसमें ज़िले अजलात होते हैं। इनके दरमियान में जगह होती है और इसकी वजह से ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं जो गिज़ा का ज़खीरा करते हैं और पौधों के पत्तों को सहारा देने का काम करते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट से जो है अलग अलग तरीके के पौधों का जो हम कलर देखते हैं उसमें जो तब्दीलियाँ आती है, पत्ते बड़े होते हैं छोटे होते हैं, ये तमाम काम पेरेनकाइमा का है। दूसरा कोलनकाइमा, इनके खुलिए कसीर ज़िलई बेजवी और गोल होते हैं और ये साख्त में पेरेनकाइमा जैसे होते हैं। ये भी पेरेनकाइमा की तरह ही होते हैं, बस इतने है कि ये खुलिए लंबे होते हैं और इनका किनारा जो है वो पिक्टन यानी एक पिक्टन नामी सेलिलियस से मोट बनता है जिसके अंदर वो शामिल होते हैं और मोटे हो जाते हैं, और ये भी पौधों को सहारा देने का काम करते हैं। तीसरा स्क्रिलिनकाइमा, ये जो मुर्दा खुलियात होते हैं, जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे खुलियात पैदा भी होते हैं और मर भी जाते हैं, तो ये मुर्दा खुलियात से बनते हैं और ये लिग्निन की वजह से मोटे हो जाते हैं।
लंबे पतले दोनों किनारों से ये नोकीले होते हैं और ये बहुत कम कम मिकदार में पाए जाते हैं और ये भी पौधों को सहारा देने का काम करते हैं। उसके बाद जटिल स्थायी पेशी यानी कि पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। तो पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त जो है मजमूई तौर पर जो ज़्यादा खुलियों के अंदर ये पाई जाती है और अलग अलग काम अंजाम देती है, जैसे कि बाफ्तों में नमकियात यानी खारापन, पानी, गिज़ा को पहुँचाना, उनके मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना और फ्लोइम जैसे पेचीदा मादों की ये मिसालें हैं। तो यानी अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं जो मैंने आपको बताया, पेचीदा मुस्तकिल बाफ, जटिल स्थायी पेशी। उसके बाद आता है खशबा। खशबा यानी मृतक। खशबा पानी और मादनियात के पौधों को पौधों की पत्तियों के तक पहुंचाने का काम करती है। खशबे के ज़रिए पानी जो है वो तमाम पत्तों तक पहुंचता है और एक मोटी दीवार के ये बने होते हैं और इनके चार अनासिर हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है जाइलम और ये स्क्रीन कायमा ट्रेचिस, ये विसर्जन एक नसों की तरह होते हैं जो पानी को जड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं और पौधों को सहारा भी देते हैं। खशबा का मेन काम क्या है, पौधों को पानी पहुंचाना और नमकियाती मादे पहुंचाना ताकि पौधों की नशोनुमा जो है वो बरकरार होती रहे। उसके बाद आता है फ्लोइम। फ्लोइम एक जिंदा बाफ्त होती है जो पौधों के पत्तियों से गिज़ा को, तो इस तरीके से फ्लोइम जो है ये ज़िंदा बाफ्त होती है और ये गिज़ा के पौधों को मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाती है और ये भी चार अनासिर से बनी होती है, सेल्स से, कंपेनियन से और फ्लोइम से। और इसके अंदर एक सीवर ट्यूब होती है जो पत्तियों के ज़रिए तैयार गिज़ा को पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती है। अब इसी तरीके से हैवानाती बाफ्त पढ़ते, तो हैवानाती बाफ्त जो होती है वो कसीर उजू यानी उनकी भी चार किस्म है और उनकी भी साख्ते अलग अलग है, जिसे प्राणी पेशियों हम कहते हैं। तो इसी तरीके से ब्रह्मी बाफ्त, उसकी भी चार किस्में थी। तो उसमें पहले था ब्रह्मी बाफ्त, ये पूरी सतह को ढकता है यानी चादर की तरह ढकने का काम करता है और जिल्द के बाहर के हिस्से, मुँह के अंदरूनी हिस्से और पेट, फेफड़ों और उनके अंदरूनी हिस्सों से बना होता है और ये अपने काम को मुकम्मल तौर से अंजाम देने का काम करता है और ये खुलिए के बिल्कुल करीब होता है और इनको मुहाफिज बाफ्त भी कह सकते हैं, यानी ये हिफाजत करने वाला काम करता है। किसकी? निज़ाम हाजमे की, फेफड़ों की और मुंह के अंदर जो खुलियात पाए जाते हैं उनकी। अब उसके बाद आता है उजलाती बाफ्त। अब उजलाती बाफ्त क्या है, तो उजलाती बाफ्त के अंदर क्या होता है कि ये बेलन की शक्ल होती है ना, तो इसी बेलन की शक्ल नुमा होते हैं जिसे स्नायु पेशी भी कहते हैं। स्नायु का मतलब तो आप समझ गए होंगे, हमारी हड्डियाँ। तो ये बेलन की शक्ल के होते हैं और ये बहुत सारे खुलियों के मजमूए यानी बहुत सारे खुलियों से मिलकर बनता है और ये फैलने और सुकड़ने का काम करता है। अब हम फैलने सुकड़ने का काम करता है मतलब हम देखते हैं ना, हमारा हाथ जिस तरफ हम हमारे हाथ को मोड़ो उस तरफ हमारा हाथ मुड़ जाता है। लकड़ी की तरह तो है नहीं हमारा हाथ कि हम सीधा रखेंगे तो उसे मोड़ नहीं सकते। हमारा हाथ जो है फैलता है, उसकी हड्डियाँ सुकड़ती है, इसी वजह से हम हमारे हाथ को बआसानी मोड़ सकते है। तो ये जिस्म के तमाम हिस्सों में होता है ताकि हमारे जिस्म की हरकत चलती रहे। अब मसलन जैसे दिल को मुसलसल फैलने और सुकड़ने का काम करता है, ज़्यादातर उजलाती बाफ्त का ही उजलात। अब इख्तियारी उजलात क्या है, ये हड्डियों से जुड़े होते हैं, जिस्म की हरकत के मुताबिक ये काम करते है और इन उजलात को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हरकत में लाते हैं, जैसा चाहे हम इसको मोड़ सकते हैं। और गहरे हल्के रंग की इसके अंदर पट्टियाँ होती है और ये बहुत सारे इसके अंदर मरकज़े भी होते हैं। तो इख्तियार का मतलब ही होता है कि हम हमारी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए वो इख्तियार से बनता है, इख्तियारी उजलात। दूसरा है गैर इख्तियारी उजलात। तो ये उजलात जो है मादा, छोटी यात, मसाना वगैरह के अंदर होते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हम कुछ खाते पीते हैं, डकार आना करना, ये हमारे हाथ में नहीं। वॉशरूम जाना है तो
वॉशरूम को हम रोक तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ वॉशरूम रखती है तो हम उसे रोक सकते नहीं, यानी वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे उजलात को गैर इख्तियारी उजलात कहते हैं। और ये कहाँ होते हैं? छोटी आंत, बड़ी आंत, मसाना। मसाना यानी जो हमारा पेट के नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पेशाब बनता है वहाँ पर। और ये सिर्फ इसके अंदर एक ही मरकज़ा होता है जो खुलियों के दरमियान में वाक़ होता है। तीसरा आता है दिल के उजलात। दिल के उजलात जो है ये दिल में पाए जाते हैं और इनके हर एक खुलिए में एक या दो मरकज़े होते हैं और ये बगैर थके उम्र भर सुकड़ने और फैलने का काम करते हैं। हमारा दिल हम सोते हैं, जागते हैं, उठते बैठते हर वक्त वो काम अंजाम देते रहता है। तो ये जो उजलात होते हैं ये ज़िंदगी भर यानी बगैर थके ये काम करते ही रहते हैं। ये हमारे मरने के बाद ही इनका रुकना होता है, इससे पहले ये नहीं रुकते। अब उसके बाद आता है असबी बाफ। तो ये दिमाग और जिसे गुजराती में चेता पेशी कहते हैं, दिमाग और नखाई डोर यानी हमारे दिमाग के अंदर जो डोर है उससे मिलकर बाफ्त की तश्कील होती है जिसकी शक्ल इस तरीके की है। और ये असबी खुलिया न्यूरॉन की वजह से बटन स्टार्ट करती है ट्यूबलाइट, तो इसी तरीके से बिजली की तार की तरह नज़र आती है। और एक मोहसल यानी एक जड़ से इसके एक सिरे से दूसरे तरफ दिमाग के पैगामात को पहुंचाने का काम करती है। यानी जो हम भूख लग रही है तो खाना खाना, प्यास लग रही है तो पानी पीना, किसी की बात का जवाब देना, कलरों की पहचान करना, अचानक हादसों से हम जो घबरा जाते हैं करते उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना, तो ये तमाम काम जो है ये असबी बाफ्त एक तार की तरह हमारे जिस्म में दिमाग से लेकर तो रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है। तो ये वहाँ तक होती है और इसकी अलग अलग शाखें होती है जो दिमाग के पैगामात को हासिल करती है और एक्सोन नाम के ज़रिए उसे आगे भेजने का काम करती है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है, ये सेल है बॉडी के, ये रेटिनेशन, ये यहाँ से तमाम पैगामात पहुँचते हैं दिल के, दिमाग के। और ये एक्सन जो यानी कि ये एक्सन के ज़रिए तमाम यहाँ पे पैगामात बनते हैं और यहाँ पर फिर हम कान तक, मुँह तक हर बात को ला सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। तो आज की वीडियोस में इतना ही, उम्मीद है समझ में आया होगा। बराए मेहरबानी मुकम्मल वीडियोस देखो और कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो और नोटबुक में अहम नुकात को लिखो। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।